आयुष्मान खुराना और भूमि कैसी लगी आपको साथ में? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा। दोनों की एक्टिंग कैसी लगी? अच्छी है, सुपर। दम लगा के हईशा के बाद अभी दोबारा आए? हाँ, बहुत अच्छी है। और गाने की बात करें तो गाना ठीक है, बट जो आज के हिसाब से मतलब देखा जाए तो वो थोड़ा सा वो है, बट बाकी और अच्छा है। और डायरेक्शन कैसी रही? डायरेक्शन अच्छा। मूवी से मैसेज मिलता है कपल्स को शेयर करना? यस यस, मैसेज मिलता है कपल्स के लिए कि उसमें थोड़ा सा मतलब अलग कुछ दिखाया गया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। और कितने स्टार्स देना चाहेंगे आप 5 में से? 3 and 4। थैंक यू। सो कैसी लगी मूवी आपको? मूवी थोड़ी ठीक थी, फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। क्यों फैमिली के साथ क्यों नहीं देख सकते? थोड़ा सा समथिंग समथिंग है। समथिंग समथिंग क्या है? गंदा है। क्या है? गंदा है। गंदा है, अच्छा। तो फैमिली के साथ फैमिली ओरिएंटेड मूवी नहीं है। ओके, एक्टिंग कैसी लगी आपको? अच्छी। तो आयुष्मान खुराना का बहुत बड़ा फैन। और भूमि? भूमि का तो मैं इतना सा नहीं। और गाने कैसे लगे मूवी? गाने वाला ट्विस्ट कमरिया अच्छा था। और कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 4.5। थैंक यू, बाय। रोलिंग, क्या हुआ? कौन सा मूवी होती है? अच्छा सेम बोलो सब चलेगा। एक बार इंग्लिश में ले चलेगा? चलेगा। तुम इंग्लिश में पूछोगे? हाँ। रोलिंग। रोलिंग। सो हाउ वाज द एक्टिंग एंड हाउ वाज द मूवी? ओह एक्टिंग, आई मीन आई कैन स्पीक फॉर वन आवर, आई एम एन एक्टर टू। रियली आई डोंट वांट टू एनालाइज राइट हियर, बट या एक्टिंग वाज आई वुड से 8/10 दोनों के एक्टिंग। एंड द केमिस्ट्री, इट वाज रियली यू नो गोइंग विद द फ्लो, दे वर लाइक वेल कनेक्टेड विद ईच अदर एंड इट वाज रियली गुड टू वॉच द मूवी। व्हाट अबाउट द केमिस्ट्री बिटवीन देम? Chemistry, one of the best chemistry I guess I've ever seen. They really look so good together in screen, not in some specific song or some specific, you know, scenes, but overall movie mein, whenever they two are together in frame, one frame, they look good. I mean, as an audience, I can see the connection between them. What about the issues they were trying to tell to the audience? Regarding the issues, I feel it might relate to us, like we, common people, in their day-to-day life, because we all at some point are going to be like in a couple state, or maybe we have been in that state. So you should just watch the movie and you would find yourself somewhere in that movie. That's what I think. And what about the songs? Did you like it? I would say yes, I like the songs, but nothing specific. And how many stars you like? Stars? Out of 5. 4.2. Thank you so much. चलो सेपरेट हो जाइए, हम लोग को हेल्प कर दीजिए प्लीज। एक 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 हाँ। बहुत अच्छी मूवी है। मैं स्टार्ट करती हूँ। रोल दादा। रोलिंग। ओके, सो कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी। काफी टाइम बाद अजय देवगन आपका शिवाय ऑन स्क्रीन पे आए। और हमें बहुत बड़ा फैन हो अजय जी का, इसलिए हमें सारी मूवी में देखा, बहुत अच्छी लगी। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में इमरान और अजय देवगन को साथ देखा गया, उससे बेटर इनकी कहानी बहुत अच्छी है, दोनों दोस्त हैं और ये बहुत अच्छा लगा देख के हमको। पैसा वसूल मूवी काफी रिफ्रेशिंग पे था। इलियाना डिक्रूज और अजय देवगन, उनके बारे में केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अलग है, डिफरेंट, उसमें कैरेक्टर इनका जो भी है बहुत अलग है। और सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी है? अजय जी और तीनों की। स्टोरी में दम है? हाँ, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छे गाने, दो गाने बहुत अच्छे थे, जिसमें एक गाना अपना था और क्या बोलते अपना रस के कमर, या बहुत अच्छे लगे। और कितने स्टार्स देना चाहेंगे? क्या कितने स्टार्स देना चाहेंगे? मेरी तरफ से 3 स्टार फिट से फिट है। यस, थैंक यू सो मच। रोलिंग। सो कैसी लगी आपको मूवी? हाँ, अच्छी है। काफी टाइम बाद अजय देखेंगे पीछे। हाँ जी मुझे अच्छी लगी फिल्म। और इमरान हाशमी का काम बहुत बढ़िया है, विद्दू जामाल का काम भी अच्छा है, अजय देवगन का अच्छा है ही, और फीमेल लीड में देखा जाए तो इलियाना ने बहुत अच्छे काम किया। काफी रिफ्रेशिंग पेयर था इलियाना के साथ, बहुत बहुत अच्छा काम। केमिस्ट्री कैसी थी दोनों की? अच्छी थी। स्टोरी में दम है? हाँ। गानों की बात करें तो गाना मुझे इतनी पकड़ नहीं है मुझे। हाँ, वो बस एक ही गाना है जो। और कितने स्टार्स देना चाहेंगे? मैं लगभग 2.5। थैंक यू सो मच।
एवरेज लगी थी बादशाह मूवी, बढ़िया है, मतलब अगर आपका टाइम पास करना है तो देख लीजिए, और हाँ एक्स्ट्रा टाइम जैसे पढ़ाओ तभी देखिएगा, और हाँ फालतू नहीं। परफॉर्मेंस कैसी लगी? बढ़िया, सारे एक्टर्स काम तो सबका बढ़िया, अजय देवगन ऑब्वियसली टैलेंटेड बंदा है। इससे पहले हमने इमरान हाशमी और अजय देवगन को वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में देखा था, जो कि बहुत दमदार, जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट मूवी लगी थी। अजय इसमें दोनों की जुगलबंदी कैसी रही? यार उनकी परफेक्ट लगे दोनों, जुगलबंदी तो परफेक्ट थी। और एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग स्किल्स परफेक्ट, और पेयरिंग काफी रिफ्रेशमेंट थी एकदम, इलियाना डिक्रूज और अजय देवगन। पूरी मूवी का बोलते नहीं, पैसा वसूल गाना। इमरान कैसे लग रहे थे? इमरान और सनी मतलब हॉट सीन करते हुए दिखाई दे गाने में, जमाल हां बस वो गाने में जितना दिखाया है फ्रेंड्स। और विद्यु जामल विलेन आंसर विलेन, स्टोरी नहीं देख लोगे तो जाके भी देख लीजिए कैसे लगी विद्यु जामल। यार ऑब्वियसली परफेक्ट लगता है यार स्टंट। अरे किशन थोड़ा माइक पीछे करना। और कितने स्टार्स देना चाहेंगे 5 में? 2 स्टार्स। थैंक यू सो मच, वन टाइम वॉच है क्या? हां थैंक यू। आई लव यू इन टू क्या डिफरेंट कैरेक्टर मिला अजय जी का, जो पहले जैसा होता उससे हटके था उनका कैरेक्टर जो था, और बिल्कुल शांत स्वभाव के होते, चुलबुले टाइप के नहीं थे, तो अच्छा लगा बहुत। और इमरान जी का जो कैरेक्टर है वो उससे बिल्कुल हटके, जिसके लिए जाने जाते हैं दर्शक, जिसके लिए जाते हैं मूवी देखने, उनका ऐसा कुछ नहीं है कैरेक्टर। साथ की छवि थी उनकी, एक दोस्त छिछोरे दोस्त की कैरेक्टर हो। अजय देवगन क्या हुआ? अजय देवगन हॉट सीन नहीं है? नहीं नहीं कहानी कैसी लगी? कहानी शुरू से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कहानी सस्पेंस बनी हुई है, कुछ पता ही नहीं चल कब क्या होने वाला है, ऐसा लास्ट तक उनको नहीं पता चल पाया। अगर मैं बात करूँ सनी लियोन और इमरान, अच्छी और एक जो और अच्छा था, बहुत अच्छा लगा जी। आपको लगता है फिल्मों में आना चाहिए दोनों को एक साथ? हाँ बिल्कुल आना चाहिए, ऐसा कपल आना चाहिए, कपल आना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं आना चाहिए वो तो सारे बस सोचेगा कि वो लोग साथ में आए। लेकिन एक और हॉटनेस थी ईशा गुप्ता, उनका कैरेक्टर अलग था बिल्कुल, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, उनका एक साथ ही गाना था उनका है बस। और विद्युत जामवाल कैसे लगे? उनका कैरेक्टर मतलब अच्छा नहीं लगा मेरे, जिस हिसाब से वो जाने जाते हैं, जिस चीज़ के लिए जाने तक वो ऐसा कुछ नहीं दिखा दिखाते बिल्कुल मिला उस मूवी में। एक टाइम वन टाइम वॉच में है क्या? बार बार देख सकते हैं? एक दो बार देख सकते हैं? नहीं नहीं बार बार भी देख सकते हैं, हमको एक बार और भी जाएंगे अभी कल परसों में, दो तीन साथ फिर से जाएंगे, बहुत अच्छी रहेगी। 5 कितना स्टार देगी? मैं 3 स्टार दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। रोलिंग ओके, सो कैसी लगी बादशाह आपको मूवी? बादशाह मूवी वाज वेरी गुड, माइक इट वाज नाइस, द एक्टिंग वाज गुड, और इमरान और अजय देवगन वंस अपॉन अ टाइम मुंबई के बाद दिखे हैं साथ में, तो कैसा लगा देखते दोनों को साथ में? मूवी में एक हॉट सॉन्ग भी है सनी लियोनी और इमरान हाशमी, डू यू वांट सनी लियोनी इमरान हाशमी एज अ लीड कपल कभी मूवी करें? No, I don't think so. But it's okay. Okay. And how many stars would you like to give? After 5? 3 stars. Thank you so much. Yes. Rolling. फिल्म आरजेडी जैसे था वैसे ही लगा, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं लगा फिल्म में। अजय देवगन का सेम एक्टिंग सेम डायलॉग, और मिलन मिथुलिया का जो हमने जो वंस अपॉन मुंबई टाइम में जैसे देखा था, जो उनका डायरेक्शंस ऐसा जो एक्सपेक्टेशन था, जो एक्सपेक्टेशन से हम गए थे सिनेमा देखने के लिए वो नहीं मिला उस ये सिनेमा में, आज इट इज सिनेमा लगा, इतना खास सिनेमा नहीं लगा। हर जगह में लाग कर गई है, सेम रिपीट है और सेम चीज़ जैसे बॉलीवुड में लगा हुआ गया है, जैसे फिल्म जैसे होता रहता है वैसे ही है। आज 2017 में जैसे सिनेमा होना चाहिए ऐसा नहीं लगा है, आज इट हम देख रहे हैं कि
वैसे ही मिलन लुथरिया का जैसे कच्चे धागे जैसे सिनेमा था वो भी बेस्ट था, लेकिन इतना भी ये जो अभी इतने सिनेमा होने के बाद जो एक्सपेक्टेशन था सिनेमा में वो नहीं मिला अपने को। अजय देवगन का सेम डायलॉग है, सेम स्टाइल है, और इमरान हाशमी का कुछ खास नहीं है, पूरा डायरेक्शंस और पूरा सिनेमा पूरा फालतू लगा, मेरा पैसा तो वेस्ट गया। तो इस बार इमरान हाशमी और अजय देवगन साथ में कुछ कमाल कर नहीं, कुछ भी कमाल नहीं कर पाए, वो क्या करेंगे, वो डायरेक्शन तो ऐसा ही होगा, स्टोरी ऐसा होगा तो कमाल करेंगे ना, तो स्टोरी ऐसा ही नहीं था, आज इट इज नॉर्मली था, वैसा कुछ भी अट्रैक्शन नहीं था सिनेमा में। देखो आज डायरेक्शन पार्ट ऑफ व्यू सब देखना चाहिए, जैसे स्टोरी देखना चाहिए, ओनली टेक्निकल देखना चाहिए। आज सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छा हुआ है, सिनेमा देखने में और ब्रॉड दिखाई दे रहा है, लेकिन आज सिनेमा हम जो जैसे देखते हैं स्टोरी के हिसाब से, बॉलीवुड सिनेमा जैसे देखते हैं स्टोरी के हिसाब से, आज अगर उनको जो एक्सपेक्टेशन करते हैं आज एक्शन हीरो के हिसाब से, और इमरान हाशमी को आज रोमांटिक हीरो के हिसाब से जो है हम एक्सपेक्टेशन करते हैं वो नहीं मिला सिनेमा में। एक्ट्रेस में जो थे वो ठीक थे, अच्छे थे, लेकिन उनको जो दिया गया है उन्होंने वो किए हुए हैं, उनको हम अगर अच्छा देंगे तो ज़रूर अच्छा करेंगे, लेकिन जो उनको दिया गया है वो अच्छा है, और सिनेमा का स्टाइल जो मेंटेन किया गया है वो अच्छा है, लेकिन आज स्टोरी एंड जो हम बॉलीवुड सिनेमा देखना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा नड़ी हो ऐसा कुछ मिला नहीं अपने। सनी लियोनी का स्पेशल एक्सप्रेशन अच्छा था, से लुक्स गुड, अच्छा लगा, आइटम नंबर जो था उसका वो अच्छा था, कोरियोग्राफी एंड वेरी नाइस। कितने स्टार देना चाहेंगे आप? 5 शायद 1 स्टार देंगे। थैंक यू। ओके रोल कैसी लगी आपको? मूवी तो बहुत अच्छी लगी। आयुष खाना घूमने की केमिस्ट्री कैसी? तो जोड़ी पहली बार देखने पड़ी और बहुत अच्छी लगी। गाने नॉर्मल थे, बेस्ट भी थे। और कितने स्टार्स देना चाहेंगे? कैसी लगी आपको मूवी शोभा दल साहब? अच्छी थी, केमिस्ट्री अच्छी थी मूवी की, काफ़ी एंजॉय किया हमने मूवी को। और एक्टिंग कैसी लगी दोनों, आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर? दोनों अच्छी थी, माइंड ब्लोइंग एक्टिंग थी, ज़्यादातर अपना आयुष्मान की अच्छी एक्टिंग थी। मूवी से एक मैसेज मिलता है, कपल्स के लिए बेटर का मैसेज है कि आगे क्या होना चाहिए कपल्स के लिए, लाइफ टाइम के लिए, अच्छा है। और गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे थे, 2-3 गाने अच्छे मिले। कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 3.5। थैंक यू सो मच। ट्रोलिंग। ओके, तो कैसी लगी शुभ मंगल साहब? बहुत मस्त लगी। एक्टिंग की बात करें तो कैसी रही मूवी और आयुष्मान की? दोनों की अच्छी है, दोनों मेरे फेवरेट एक्टर है, मस्त थी दोनों की केमिस्ट्री अच्छी थी, दोनों की केमिस्ट्री अच्छी थी। मूवी एक मैसेज देना चाहिए थी कपल्स को, स्पेशली कपल्स, नॉट कपल्स सोसाइटी को, तो वो मैसेज मिला दे पाई। तो मूवी से ऑडियंस कुछ सीख के जाएगी? हाँ सीख के जाएगी। वन टाइम वॉच है कि बार बार देख सकते हैं? मैंने ये अभी तो पहली बार देखा हूँ, अभी और देख सकता हूँ चाहे तो फ्रेंड्स लोग के साथ, फैमिली के साथ। और फैमिली ओरिएंटेड मूवी है? वो नहीं बोल सकता, लेकिन दोस्तों के लिए बहुत एंजॉयफुल मूवी है। ओके, और गाने की बात करें तो कैसे लगे? ठीक ठाक गाने हैं, जैसे मूवी में होने चाहिए वैसे। और कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 5 स्टार। थैंक यू। रोल। सो कैसे लगे आपको शो? बहुत अच्छी मूवी लगी, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक रोल था, मैम एक्शन भी बहुत अच्छे थे। और एक्टिंग की बात करें तो दोनों ने एक्टिंग की बात करें मैम काफ़ी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग थी, देखने के लिए देखा गया था, एक्टिंग में एकदम माइंड ब्लोइंग बता दूँ। और केमिस्ट्री कैसी लगी दोनों? केमिस्ट्री मैम बहुत अच्छा था, एक साथ में इन्होंने पहले भी मूवी कर चुके हैं मैम देखा, तो उस हिसाब से इनमें भी बहुत अच्छा किरदार निभाया। कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मूवी या आयुष? मैम आयुष। और गानों की बात करें तो कैसे लगी गाने? गानों की बात करें मैम, गाने मैम देख सकते हैं बहुत अच्छे थे, मैम एक्शन भी अच्छा था, उन्होंने जो सीन लिए गए वो भी बहुत अच्छे थे, और एक गाने के जो लिरिक्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे थे। 4। थैंक यू सो मच।